तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग यार सुबह सुबह ही शुरू हो रहा है। मौसम आज भी काफ़ी अच्छा है, 2-3 दिनों से मौसम तो देख के दिल खुश हो जा रहा है भाई। नींद भी काफ़ी अच्छी पूरी हुई है, तो अभी चलते हैं, ब्रश वगैरह कर लिए हैं, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बनाते हैं। और नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा जाना है ऑफिस पे, कुछ काम है तो वो निपटाएंगे, फिर देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। आप ब्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा, ये मुझे भी ब्लॉग के एंड में पता होगा और आपको भी ब्लॉग के एंड में पता होगा, तो ब्लॉग पूरा देखना है। हरी हरी सब्जी खाएंगे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, क्योंकि यार हरा सब्जी खाने में ना मज़ा भी आता है और थोड़ी सी हेल्दी भी रहती है। अभी जस्ट यार ऑफिस से निकले हैं, सॉरी मैं पहले का नहीं दिखा पाया, थोड़ा सा बिजी था कुछ काम की वजह से, तो अभी जस्ट निकले हैं, चल रहे हैं थोड़ा सा कुछ काम से बाहर। तो एक पार्क है छोटा सा, जूस वो बोलते हैं हम, तो वो आपको दिखाते हैं। और धूप इतनी तेज थी ना कि उसमें भी कहीं निकलने का मन नहीं किया। और एक प्रॉब्लम है यार, 3:30 बज रहे हैं और 5 बजे बंद हो जाता है, देखते हैं पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो जस्ट अभी मैं पहुंचा हूँ और चलते हैं टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर चल के। पहले टिकट लेते हैं क्योंकि टिकट जरूरी है ना, 10 रुपये का टिकट मिलता है मात्र, छोटा जू है ना इसलिए। तो जस्ट टिकट लिए और चलते हैं अंदर, अब अंदर दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। ये एक सारस है, अभी कुछ दिन पहले एक सारस वायरल हो रहा था ना, यूपी का कुछ मामला था जो भी था, बट यार यही है मिनी जू। पता है छोटे छोटे जीव हैं, पता नहीं मुझे इनको कैद बना के रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बट यार आज ये हमारे मनोरंजन के साधन बने हुए हैं। मतलब किसी को कैद करके हम मनोरंजन करते हैं, क्या ये उचित है? आप खुद कॉमेंट में लिख के मुझे बताना। ये तमाम जू की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी नहीं, और सिर्फ मेरे अकेले की सोचने से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे भी पता है। आपकी ओपिनियन क्या है, मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि यार हम अकेले थोड़ी ना इतिहास बदल पाएंगे, है कि नहीं? सिर्फ हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। कितना क्यूट लग रहा है यार, ऐसे चीज़ों को जिन्हें आज़ाद रहना चाहिए वो यहाँ पर कैद पड़े हुए हैं, बताओ। You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do? You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking on the streets of night? इसमें घड़ियाल रहते हैं यार, दिख नहीं रहे हैं आज, एक ठो दिख रहा है वहाँ पे, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये एक ठो दिख रहा है सामने से, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे बाहर रहते हैं सब आज, पानी में गर्मी बहुत है ना, इनको भी लग रही है थोड़ी सी, लग रहा है मगरमच्छ है, मगरमच्छ की घड़ियाल है। 12 है। अनरियल बड़े पढ़े। किस क्लास में पढ़ते हो आप लोग? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं? नहीं पढ़ाई करते। कैसे? कौन सा काम करते हो? पढ़ाई नहीं करते सही में? पढ़ाई करते हो? किस क्लास में? और ये सही में पढ़ाई नहीं करता है? मजाक कर रहा है ना? अरे यार मतलब मैं सच में दंग रह गया हूँ सुन के कि वो लड़का पढ़ाई नहीं करता है। अभी उसकी एज कितनी होगी यार, 8-9 साल का है और वो काम करता है, साड़ी का बुनाई करता है वो, पता है ऐसी स्टोरियाँ ऐसी कहानियाँ सुन के होश उड़ जाते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है नहीं पता, पर हर फैमिली को मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ आज अपनी इस वीडियो से, कि यार अपने बच्चों को थोड़ा बहुत एजुकेशन ज़रूर दें, क्योंकि एजुकेशन की बेनिफिट आपको आज समझ में नहीं आ रही है, आने वाले फ्यूचर में ज़रूर समझ में आएगी, क्योंकि 10-20 साल बाद ना बिना पढ़ाई के बिना एजुकेशन के सरवाइव करना तक मुश्किल हो जाएगा। ये शाही हैं, ये गांव में ज़्यादातर पाई जाती हैं, जो आलू वगैरह के खेत होते हैं ये है, उनको नुकसान पहुँचाने का काम करती हैं। हेलो
हेलो। फाइनली यही सारी चीज़ें हैं वो जो मैंने जू दिखाया, मिनी जू, उसमें बहुत कुछ था नहीं। ऐसे पार्क में अभी टहल रहे हैं, टहलने के बाद निकलते हैं यार। और चिड़िया वगैरह थोड़ी सी हैं तो उन्हें दिखाते हैं आपको, वो भी कैद करके ही रखी गई हैं। तो अफसोस होता है ऐसी चीज़ें देखते हैं, बट क्या कर सकते हैं अकेले। ये यार पार्क कम लव पॉइंट्स ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लड़के और लड़कियां यहाँ हैं। फैमिली का तो नाम निशान नहीं है, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके साथ फैमिली हो सकता है आई हो। वाला जो पेड़ है इधर देखने को बहुत मिलता है, इसे मुझे ले जाके अपने घर पे लगाना है। तो फाइनली बारी है निकलने की, और चिड़िया आपको दिखाते हैं। चिड़िया दिखाने के बाद देखते हैं और कुछ, जो भी होगा देखिए आप ब्लॉग को लास्ट तक, जो भी होगा दिखाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। ये जो आपने देखा, ये सारी वो चिड़ियाँ हैं जो धीरे धीरे अपने भारत से लुप्त होती जा रही हैं। अफसोस होता है यार देख के, लोग अपता है नेचर को बचाने की बजाय नेचर को एक छोटा सा मनोरंजन का साधन बना के लोगों को दिखा रहे हैं, और लोग देखने भी आ रहे हैं। पता है लोग देखने आते हैं और इन्हीं चीज़ पर अफसोस जताते हैं, बट वही चिड़िया अगर उनके आस पास तड़पती दिखे तो वो किसी चीज़ में पानी तक नहीं रखेंगे। इतनी धूप हो रही है ना, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने छत पे एक कटोरी पानी रख देता होगा जिससे कोई भी चिड़िया पिए और सेफ रहे। पेड़ पौधे सबको काटने हैं क्योंकि घर बड़ा चाहिए ना, तो हमारी इन्वायरमेंट ना धीरे 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 ख़त्म होती जा रही है। और इस चीज़ को बचाने के लिए हम सबको साथ देना होगा, क्योंकि हम जिन्हें चिड़ियाघरों में देखते हैं ना, एक दिन चिड़ियाघर भी नहीं दिखेंगे क्योंकि वही नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको चारों तरफ इमारतें दिखेंगी, बड़े बड़े बिल्डिंगें दिखेंगी। अभी जस्ट मैं काम से फ्री हुआ हूँ और ये सारा चीज़ भी मैंने दिखा लिया। 5 भी बज गए हैं और सोचा चलते चलते दाना भुजवा लेते हैं, और भुजवा के फिर निकल रहे हैं। और पता है मैं अभी जस्ट बैठ के बालकनी में चिल कर रहा हूँ, और भाई सच बताऊँ मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, फील होता है यार। पता है सारी चीज़ों से जब आप डिस्टर्ब होते हो ना, तो आप प्राकृतिक से प्यार करो, मज़ा बहुत आएगा। और ख़ासकर सामने का नज़ारा ना जब ऐसा हो, क्या लग रहा है भाई, मतलब मस्त एकदम, मौसम भी शानदार हो रहा है, मस्त बादल हैं चारों तरफ, बारिश भी हुई है थोड़ी सी। लेकिन यार सच में, यार सच बताऊं तो प्राकृतिक से जो इंसान प्यार करता है ना, वो लाइफ में खुद को कभी भी मतलब अकेला फील कर ही नहीं सकता। तो चलो आई होप आपके यहाँ भी मौसम ऐसा ही होगा, आप भी इंजॉय कर रहे होगे। तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कर दो वीडियो को, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगला ब्लॉग आपको आसानी से मिल जाए।